हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल यूके आर्ट्स वर्ल्ड में। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कुछ ड्राइंग स्किल्स इम्प्रूव करने के तरीके और किस तरह से आप अपने आर्ट को अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इन बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों, आप ड्राइंग तो पेंटिंग तो बना ही लेते हैं, पर उसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होती है और ये चीज़ें आपको कोई बताता भी नहीं है, और जिसको मैं अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूँगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आप कोई भी पेंटिंग बना रहे हैं, चाहे वो कोई आइज हो या पूरा पोर्ट्रेट बना रहे हो, तो आप उसमें सबसे पहले उस चीज़ को ऑब्जर्व करें अच्छी तरह से, एकदम से डिटेलिंग में ना चले जाएं और पहले उसको समझें और उसको एकदम से कोई भी, चाहे आइज हो या कोई नोज़ या कोई पूरा फेस हो, तो उसको पहले उसको पूरा तरह से तोड़ लें। पेंटिंग को, जो पिक्चर है उसको ब्लॉक्स की तरह अलग कर लें, जैसे ये पोर्शन अलग कर सकते हैं। जूम कर लेता हूँ, जैसे आइज है, आइज़ में आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन अलग है, ये वाला अलग है, सब चीज़ें अलग अलग है, यहाँ पे अलग है, वैसे ही नोज़ में। इसको इसके टोन के हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं हर जगह अलग अलग। इसको पूरी ऑब्जर्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको शेप का समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए छोटी चीज़ से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप आइज़ ड्रॉ कर रहे हैं, तो आइज़ के लिए आइज़ की शेप को समझेंगे। मान लीजिए ऐसे, नॉर्मल ये क्या हो गई, आइस की सेप हो गई। आप सेप समझ चुके हैं, तो उसके बाद आप शेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसमें शेडिंग का पार्ट तो अभी है नहीं, वो अगले सेशन में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मतलब। इसमें सिर्फ आप उसकी शेप समझनी है। इस तरह से आईज के लिए, वैसे ही नोज के लिए। इसमें कोई अभी लाइट डार्क शेडो वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मली बस कि शेप ऐसी होती है ना आपकी। पहले आप समझ लेंगे कि वो चीज़ कैसी है, और वैसे फिर उसके बाद आप उसमें शेडिंग करेंगे। आप ऐसे ही इनको अलग अलग बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिप्स की, नोज़ की, ईयर की,
उसके बाद तो आप फिर आएंगे पोर्ट्रेट में, काफ़ी प्रैक्टिस के बाद। वैसे ही आप, वैसे ही पोर्ट्रेट में ऐसा ही होगा। मान लीजिए ये वाला मैं स्केच करता हूँ, तो इसके लिए मुझे इसकी पहले से डिटेलिंग वगैरह में नहीं जाऊँगा मैं, इसके पहले पूरी तरह से ऑब्ज़र्व करूँगा और इसकी पूरी शेप को समझूँगा। सिर्फ इसके बाहरी प्रोपोर्शन को समझेंगे, कैसे स्ट्रक्चर है इसका। बताना चाहता हूँ जो हेड यहाँ पे हेड का है, फोर हेड के ऊपर स्टार्टिंग और जो नोज के आईब्रो यहाँ पे और यहाँ पे नोज इन और चिन का पोर्शन, इनका साइज बराबर ही होता है। और जो ये एंगल आता है आई स्किन का और ये नोज के यहाँ पे आता है, और जो लिप्स का होता है एंड वो आइज के सेंटर सेंटर आता है दोनों साइड, और ईयर का स्टार्टिंग होता है वो इसके जहाँ पे आईब्रो और यहाँ पे स्टार्टिंग होती है ईयर की, और एंड में आता है नाक के यहाँ पे। आई होप समझ रहे होंगे आप तरह से। ऐसे आप इसमें भी लाइन कर सकते हैं नोज के लिए। कोई डिटेलिंग वगैरह नहीं है, पहले ही पहले पूरी शेप वगैरह निकालेंगे, इसको समझेंगे आईज में कैसे शेप है। सबको ब्लॉक ब्लॉक में निकाल देंगे अलग से। यहाँ पे नाक की शेप आ रही है,
कोई जल्दीबाजी नहीं, बस आराम से करते रहें। एक प्रॉपर शेप को समझें इसकी। अब ये देखिए यहाँ पे शेप अलग है। पहले बड़े बड़े पेंसिल स्ट्रोक में इसको पूरा कर दिया करेंगे तो अच्छा होगा। अब ये डार्क एरिया है इसको अलग। इस तरह से जैसे देखिए कोई डिटेलिंग में नहीं गया अभी, बस इसका भी बेस तैयार कर दिया एक हिसाब से। फिर आप इसमें धीरे धीरे और इम्प्रूव कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगे कि और क्लियर करना है, ऐसे करते जाएंगे आगे आगे। जैसे यहाँ क्या गया है, पूरा शेप में बांटा गया है। फिर आप शेडिंग में आएंगे, पर पहले पूरा इसको एकदम क्लियर कर दें कि ये पूरा सही बना है नहीं बना है। सब कुछ शेप और इसके प्रोपोर्शन पे टिका हुआ है, मतलब इसके आकार पे और इसके अनुपात पे टिका हुआ है, किस अनुपात में आपको इसको ड्रॉ करते हैं। उसके बाद तो शेडिंग फिर आगे की चीज़ है, जिसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और एक साइड फेस का भी उदाहरण दे देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा और समझ में आ जाए। और अगला जो एग्ज़ाम्पल दूंगा मैं इस बुक से, ये है फिगर ड्राइंग के लिए आदित्यचार्य सर जी की, काफ़ी बढ़िया बुक है। इसका प्राइस है 450, ऑनलाइन परचेस की थी मैंने। और इसमें बता सकता हूँ मैं आप, इसमें एक हेड वाला भी एक वो है पेज है, देख लीजिए आप इसमें भी किस तरह से बनाया गया है। पहले शेप को दिया गया है, ओनली विस शेप को समझना है। यहाँ पे शेप शेप पूरा शेप को समझने के बाद फिर शेडिंग की गई है। एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा आपका, एक बेसिक तैयार करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी आगे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आजकल ग्राफ काफ़ी यूज करते हैं, अगर वैसे तो अपने में ठीक है, मतलब कर रहे हैं कमीशन वर्क कर रहे हैं अगर, लेकिन आगे आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम करेगा। स्टूडेंट हैं अगर तो उसमें तो खास कर ज़्यादा करेगा। अब आपको लाइव पेंट ड्राइंग करनी है तो उसमें आप ग्राफ तो नहीं मार सकते हर चीज़ में,
और जैसे कि आपको लैंडस्केप करना है या कोई भी, और वर्ल्ड पेंटिंग में जा रहे हैं तो हर जगह तो ग्राफ का यूज़ नहीं करेंगे ना, उसमें फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है। और अगर आप ऐसे फ्री हैंड करेंगे तो एकदम आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, कोई कमी नहीं आएगी, तो ऐसा लगेगा नहीं कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यहाँ पे हाँ मेरे में कमी है थोड़ा, एकदम पूरे कॉन्फिडेंस से आप काम करेंगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि मेन बेस तो यही है कि आपको पहले यही बनाना है, सबसे मेन काम तो यही है, उसका जो स्ट्रक्चर तैयार करना है। शेडिंग तो आप कैसे भी कर लेंगे, वो थोड़ा बहुत अगर उसमें कमी रह भी गई तभी वो अच्छा लगेगा, लेकिन मेन स्ट्रक्चर है तो उसको आपको अच्छा करना है। और मेरे एक फ्रेंड का भी क्वेश्चन था कि साइड फेस के लिए दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी बता देना थोड़ा। तो मैं बताना चाहता हूँ, साइड फेस बना रहे हैं तो आपकी, जैसे मैं बता रहा था पिछले वीडियो में, इससे पहले बताया था कि आई नोज़ इनकी प्रैक्टिस करें, तो फिर वो चीज़ें यहाँ भी आ जाती है, सब चीज़ जुड़ी हुई हैं। तो इससे लिए आप देख सकते हैं, अब साइड आइज़ की प्रैक्टिस रहेगी तो आप फिर यहाँ साइड फेस बना रहे हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा वो। अब नोज़ बना रहे हैं, हर एंगल में आपको प्रैक्टिस करनी है, वैसे लिप्स की और ईयर की। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा गाना आ चुका है, फ्रंट में है तो फिर यहाँ पे ये देखिए आधा है। तो ऐसे ही हर एंगल में बॉडी के पूरे, जो फेस का जो कोई भी फीचर, कोई फेस का पार्ट है, तो उसका हर एंगल में प्रैक्टिस करेंगे। अब नीचे को सर झुका हुआ है तो उस टाइम पे भी ऊपर को साइड में देख रहा है, ऊपर देख रहा है कैसे भी, और वैसे ही आइज़ में, आइज़ क्लोज हैं, आइज़ नीचे देख रही हैं, बाएं दाएं वैसे ही, और फेस में भी हंस रहा है। इमोशन भी थोड़ा दिखाने पड़ेंगे, इमोशन कैप्चर भी करने हैं। और तो चलिए मैं बताता हूँ, फिर आप इसकी पूरी शेप को समझ लेंगे। वो आप अपनी तरफ से कोई भी टेक्निक बिल्ड कर सकते हैं, जरूरी नहीं मैं बता रहा हूँ वही करें, पर जो ये चीज़ें करनी ज़रूरी है बस, आप किसी भी तरह से करें पर करें ज़रूर। अब आप इसको बॉक्स के शेप में भी कर सकते हैं, पहले बॉक्स कर बना लिया एक, फिर उसके अंदर आप इसको पूरा मेंशन कर सकते हैं। मैं चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ पर मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे। और कॉपी वर्क कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कीजिए, अपना भी कीजिए, करना ज़रूरी है बस। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे आईब्रो आ गए, तो यहाँ पे थोड़ा ये पोर्शन उठा हो रहता है यहाँ पे फेस का, फिर यहाँ से डाउन आ गया है, फिर नोज बाहर को आ चुकी है, तो इसको बाहर निकाल देंगे। और फिर लिप्स के बाद, जो लिप्स का ही पोर्शन भी उठा हुआ होगा साइड पे आने के बाद, फिर यहाँ से डाउन।
और ऐसी बात है, वैसे तो एक ही वीडियो में सब चीज़ें बताने तो नामुमकिन है, और जितना इसमें बताया है तो वो चीज़ें ऐसी है कि आपको सबसे पहले तो स्वीप समझनी है उसकी, उसका एंगल और प्रोपोर्शन, हिंदी में भी लिख देता हूँ, शेप उसका आकार, एंगल दृष्टिकोण होगा वैसे तो हिंदी में, अच्छी तरह समझने के लिए कोण, या आपके नज़रिया में उसका नज़रिया कैसा है, पेंटिंग का किधर दिख रहा है, किस साइड है उसका एंगल, प्रपोर्शन तो हो गया, अनुपात, अनुपात का बहुत रोल है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टेक ऐसे में होती है, ऐसे तो जुड़े हुए हैं सब, अनुपात ऐसा हो गया कि बहुत टाइम मिस्टेक तो यही होती है, आइज़ में ऊपर नीचे हो जाती है, नोज़ में जैसे नोज़ इधर इधर उधर हो जाता है, और लिप्स वगैरह छोटे बड़े, यहाँ ये वाला एंगल ज़्यादा बिगड़ जाता है, कभी नोज़ इधर कुचला जाता है, लिप्स उधर कुचला जाता है, तो यही एंगल समझना है, यही अनुपात समझना है, वैसे ही ईयर में भी छोटे बड़े हो जाते हैं, आँख भी छोटी बड़ी, बस तो इसी को प्रॉपर तरीके से निकालना है, तो इसके लिए आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, इसको स्केचिंग में इसकी शेप समझने के लिए। थैंक यू। और इस पेंटिंग में देख इस स्केच में देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह शेप बनाई गई है, इसमें डिटेलिंग नहीं की है उतनी, बस शेप में काम किया है, और यहाँ पे आते हुए देखिए फेस का शेप, आईज, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको टोनल वैल्यू के बारे में बताऊंगा, किस तरह से शेडिंग में टोनल वैल्यू निकाल जाती है, डेप्थ कैसे क्रिएट की जाती है, और काफ़ी चीज़ें जितना हो सके बताने की कोशिश करूँगा, और इसमें जो कुछ छूट गया हो अगर, तो उसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू, सपोर्ट करें।